आप सबों को हमारे उद्धार करता मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और आज मैं बहुत अधिक आनंदित हूँ क्योंकि प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को आप तक लेकर आना ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा परमेश्वर का जो आपके दिलों को छूता है, परमेश्वर के वचन का जो आपके मनों से बात करता है। और आज सुबह के समय परमेश्वर के वचन से मनन का भाग जो हमने लिया है, जो हमें मिलता है, मती की किताब अध्याय 22 उसकी 37 से लेकर 38 आयत तक, और लिखा है, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। अजीजों, मैं एक बात आपसे आज बोलना चाहता हूं, प्रातःकाल मनन का अर्थात जब आप और मैं रोज सुबह सोकर उठते हैं, उसका सबसे प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि हम इस बात को समझें कि और इस बात को हम माने कि हमें अपनी दिनचर्या में पहला स्थान परमेश्वर को देना है। आज के दिन को प्रारंभ करने से पहले, आपकी जिम्मेदारियों को निर्वाह करने से पहले, आपको क्या क्या काम करना है, उस कामों के ऊपर मन लगाने से पहले आपको परमेश्वर से मिलने की आवश्यकता है, आपको परमेश्वर के निकट आने की आवश्यकता है, आपको पूरे दिन को परमेश्वर के हाथों में सौंपने की आवश्यकता है, आपको अपने बच्चों को, परिवार को, व्यवसाय को, एक एक बात को प्रभु के जोरावर हाथ में देने की आवश्यकता है। और जब आप इस प्रकार देते हैं, जब इस प्रकार करते हैं, आपके जीवन में निश्चय आप सफलता को प्राप्त करने पाएंगे। लेकिन अजीजों, अक्सर क्या होता है, हम अपने जीवनों में दुखी होते हैं, हम बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, जीवन के उतार चढ़ाव में आप और मैं झूझते रहते हैं, संघर्ष करते हैं, जिनसे हम प्रेम करते हैं उनसे हमें चोट पहुंचती है, जिन पर हम विश्वास करते हैं उनके से ही हमें विश्वासघात मिलता है, और तब जीवन में निराशा आ जाती है। मैं समझता हूं अगर हम अपने जीवन में वास्तव में परमेश्वर को पहला स्थान देंगे तो बहुत सारी समस्याओं और बहुत सी निराशाओं और बहुत से दुखों को आप और मैं पीछे छोड़ने वाले हो जाएंगे। अजीजों, हो सकता है कि आज आप निराश हो, आज आप दुखी हो, और इसका कारण ये हो सकता है कि हमने अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दिया, और इसलिए हमने परमेश्वर को पहचाना भी नहीं है, हमने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की कीमत को बहुत ही सस्ता समझ लिया। हम पढ़ते तो हैं परंतु उसकी अनुभूतियां में नहीं होती, हम उसके क्रूस के बारे में पढ़ते हैं, हम उसके क्रूस की मौत के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन अजीजों उसके घावों के दर्द के मूल्य को कई बार आप और मैं समझने में असमर्थ हो जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को आप और मैं समझे। अजीजों, हम उस बात को जाने क्योंकि हमें अपनी मान्यताओं में और अपनी परंपराओं में, अपनी मानसिकताओं में उलझ कर रहने की आवश्यकता नहीं है, उसके द्वारा बनाए हुए दायरे को तोड़ना नहीं चाहिए और सच्चाई को स्वीकार हम करना नहीं चाहते। अजीजों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे तेरे माता के गर्भ से रच लिया, उसने पहले तेरे जीवन के लिए योजना बनाई। परमेश्वर कहता है कि जन्माई माता तुझे भूल सकती है परंतु ना मैं कभी तुझे छोड़ूंगा और ना मैं कभी तुझे त्यागूंगा। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के लिए सब कुछ छोड़कर, स्वर्ग तक छोड़कर वो इस धरती पर आता है ताकि आपके लिए मेरे लिए कीमत चुकाए। प्रभु यीशु मसीह हमसे इतना प्रेम करता है कि पापों की कीमत चुकाने के लिए उसने अपने जीवन को क्रूस पर बलिदान कर दिया। अजीजो, आज हमारे जीवनों में आवश्यकता है कि इस बात को हम वास्तव में अपने जीवन में, परिवार में, काम में पहला स्थान दें। अजीजों, परमेश्वर के दास डॉक्टर पीजी वर्गीस के द्वारा हमेशा मैं एक बात सुनता हूँ और उनका एक बहुत महत्वपूर्ण एक संदेश है, और संदेश है आदि में। परमेश्वर का वचन कहता है आदि में परमेश्वर ने, इसका मतलब ये है बाइबल की शुरुआत के आदि में परमेश्वर, आपके जीवन की शुरुआत में परमेश्वर, आपकी यात्रा की शुरुआत में परमेश्वर, आपके बच्चों की जिंदगी की शुरुआत में परमेश्वर, आपके वैवाहिक जीवन की शुरुआत में परमेश्वर, आपके भविष्य की शुरुआत में परमेश्वर, आपके पारिवारिक जीवन की शुरुआत में परमेश्वर, पति पत्नी के जीवन की शुरुआत में परमेश्वर, आपके भविष्य की शुरुआत में परमेश्वर, आपके काम की शुरुआत में परमेश्वर, आपके घर की शुरुआत में परमेश्वर, आपके मकान की शुरुआत में परमेश्वर, आपकी दुकान की शुरुआत में परमेश्वर। अजीजों, आइए अपने जीवन में हम सबसे पहला और प्रथम स्थान हम अपने परमेश्वर को दें। जब हम उसे अपने जीवन में प्रथम स्थान देंगे, अजीजों, हमारा परमेश्वर हमें उन जगहों पर लेकर जाएगा जिसकी ना कभी हमने सोची
और ना ही हमने कभी कल्पना करी है। आइए मिलकर हम प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज हम दुआ करते हैं परमेश्वर आप हमसे बात करें, हमारे मनों को नया करें, हमें ताजगी दें, हमें हिम्मत दें, तेरे लिए जीने के लिए परमेश्वर हमें मदद कर, उलझाने वाली बाप और बातों से हमें दूर रख, हमें कृपा दे कि हम यीशु के ना ही होते हुए चले जाएं, सहायता कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए इस नए दिन की शुरुआत हम प्रभु को पहला स्थान देते हुए, प्रभु को अपने जीवन में मान्यता देते हुए, परमेश्वर को अपने जीवन का शिरोमणि मानते हुए हम अपनी दिन की शुरुआत करें और प्रभु निश्चय आपको आशीष में ले चलेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।